डिफेंस आती हो, मैं पृथ्वी डिफेंस एकेडमी से, और हमारे पृथ्वी डिफेंस एकेडमी से जो होनहार छात्र है जिनका 88 का फिजिकल बना है, और इनका भी 88 फिजिकल है, और ये भी इनका 100 फिजिकल है। अभी इनसे मैं जानना चाहूँगा कि जो अंदर इनके साथ क्या हुआ, कहाँ से इनका एंट्री हुआ, कैसे इनके डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं, और कैसे इनका भर्ती प्रक्रिया हुआ अंदर के, इनके चार चक्कर इन्होंने लगाया। तो अभी जानते हैं इनसे कि जो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा अंदर की ओर। तो मुझे बताओ आपके क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर सर? स्टार्टिंग पॉइंट सर वहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ से अंदर लिया, फिर वहाँ पे बैठाया सर, फॉलिंग मतलब फाइल बनाई, और आगे जाके फिर फाइल बनी सर, फिर वहाँ से अंदर लिया। अच्छा, मुझे बताओ कि जब आप कैटेगरी वाइज आपको बिठाया गया या फिर डायरेक्टली सभी को अंदर लिया गया? कैटेगरी वाइज बैठाया गया सर, ओबीसी और जनरल वालों को साथ में बैठा गया, और एसटीएससी वालों को अलग बैठा गया सर। ठीक है। अच्छा, आपका जो आप अंदर गए भर्ती रैली के लिए, तो आपको अंदर से डर लग रहा होगा? हाँ सर, थोड़ा। तो आपने किसको याद किया? सर माँ बाप को, अपने माता पिताओं को याद किया। गुड, शाबाश। अच्छा, और मुझे बताओ कि जब आपने चार चक्कर दौड़े तो क्या आपको टाइमिंग दिया, कितने बंदे 60 में लिए, कितने बंदे 48 में लिए? हाँ सर, टाइम बता रहे थे पर सर सुना नहीं मैंने टाइम। 48 में 60 में कितने लिए? 60 में सर 7-8 बंदे। हाँ सर, 48 में? 48 में भी सर यही 7-8 बंदे। तो दोस्तों, टाइमिंग भी प्रॉपर दिया जा रहा है, 60 में भी 5-6 बंदे लिए जा रहे हैं, 48 में भी अच्छे बंदे लिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं सेकेंड, क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप, पिताजी का नाम क्या है? जीवन। जीवन, कितना फिजिकल मारा आपने? 88 का। 88 का। अच्छा, आपका क्या एक्सपीरियंस है अंदर के, बताओगे थोड़ा सा आप? एक्सपीरियंस यही है कि जो आगे के 10-15 बंदे उनको साथ में लेकर चलो, आराम से रनिंग निकलेगी। आराम से निकलेगी। हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताओ कि जब आपको भर्ती रैली में आप आगे बैठे थे या पीछे बैठे थे? मैं बीच में बैठा था, तो फिर साइड से आया और इधर साइड में बैठ गया, और उसके बाद रनिंग स्टार्ट हुई तो पहला राउंड साइड से निकाला। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जब आप चार राउंड आप दौड़ रहते हैं, जब आपका पहला चक्कर आपने थोड़ा स्प्रिंट लगाया, उसको स्टेप में लेना या कैसे दौड़ना है? पहला थोड़ा स्प्रिंट में लेना है, दूसरा नॉर्मली, तीसरा चौथा स्टेप में लेना है। ठीक है, कहाँ पर थोड़ा सा सूट लगा सकते हैं वो बताओ मुझे? सूट वो जैसे स्टार्टिंग से थोड़ा सा उधर है, वहाँ से थोड़ा सा सूट लगा दो, बस कोई दिक्कत। दोस्तों, इनके जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है बिल्कुल सही मिल रही है। अभी मैं मिलता हूँ हमारे पीडीए के धावक से, जिनका 100 का फिजिकल है। अब इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इन्होंने एक्सीलेंट मारा है, तो इनसे जानते हैं कि और ये क्या बताते हैं वहाँ के बारे में। क्या नाम है आपका? सर श्याम तंवर। पिताजी का नाम क्या है? जसवंत सिंह तंवर। ठीक है, आप मुझे बताओ थोड़ा सा अंदर का बताओ कि क्या आपका एक्सपीरियंस है। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो फर्स्ट राउंड में पूरा एक्सीलेंट अपना जोर लगा के चलेगा, वो लास्ट राउंड तक आगे रहेगा। ठीक है, आपने लास्ट राउंड कैसे कवर? सर मैं फर्स्ट में ही जोर लगा दिया था सर, उसके बाद स्टेप में ही चला तो उसमें ही पास हो गया सर 60 की बार। कोई बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जिसने आपको कट किया होगा? हाँ सर, स्टार्टिंग में मिले थे दो जिनको मैंने कट किया, उसके बाद कोई कट कर नहीं पाया सर। दोस्तों, आपको हौसला रखना है, जोश भी रखना है। ठीक है, अगर आगे भाग रहे हो तो आपको आगे ही भागना है। ठीक है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन लोगों का, और भी हमारे पीडीए कमांडो से जिनका अभी सुबह मॉर्निंग में भर्ती होने वाला है, जिनका भर्ती उज्जैन और अपना अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो अभी उनसे भी जानते हैं। ठीक है, कि उनका क्या फीडबैक रहेगा। और अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपके जो अभी कल आगामी भर्ती है सुबह, और ठीक है, उज्जैन और अलीराजपुर, उन बंदों के लिए क्या कहना चाहते हो? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जान लगा कर दौड़ें और भर्ती पास हो। ठीक है। अच्छा, आज बारिश हो गई है, कल आप मतलब आज आपको तो ट्रैक बिल्कुल सुनहरा मिल चुका था, बिल्कुल मखमल मिला था, आज बारिश हो गई है बिल्कुल अच्छी खासी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर यही कहूँगा कि थोड़ा स्टेप बना के दौड़े और अच्छा अपना पूरा 100% दें, बिल्कुल भर्ती पास होंगे। दोस्तों, बारिश हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिमोटिवेट होना है। ठीक है, बारिश हुआ भी है तो ग्राउंड जो है सूख गया है। ठीक है, क्योंकि 2-3 घंटे आज धूप भी गिरी है, अच्छा खासा जो है वो ग्राउंड सूख चुका है, और जिसके बावजूद अभी क्या करना है कि अगर आप नंगे पैर भी भागते हो तो आपकी जो उंगलियां होती है पैरों की, उसको थोड़ा सुकुड़ के कर रखना है। ठीक है, हो सकता हो कई जगह पे थोड़ा सा गीला भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का जिनका भर्ती है उनसे मिलना चाहूँगा कि उनको अभी क्या थोड़ा सा फील हो रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह, पिताजी का नाम क्या है? विक्रम सिंह। अच्छा, आपको थोड़ा सा कैसा लग रहा है? कुछ नहीं सर, अपनी मेहनत पर पूर्ण विश्वास है। हाँ। और देखते हैं भैया ने जो भी बताया उस प्रक्रिया को हम उसी तरह से देखेंगे नज़र। हाँ। से और उसी तरह से आगे जाएंगे और भर्ती को पूरी तरह से प्रक्रिया को पूरी करेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? मनीष गहलोत। मनीष गहलोत, पिताजी का नाम क्या है? जय जय राम जी गहलोत। आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा? यही कि भैया ने जिस प्रकार से बताया हमें, उसी प्रकार से दौड़ना स्टेप बाय स्टेप और पास होना है। ठीक है दोस्तों, सुबह आपका रैली है। ठीक है, मैं अगेन आपको बताना चाहता हूँ कि
आपको बिल्कुल भी दिमाग में डर नहीं रखना है कि सुबह मेरा क्या होगा, जो भी होगा अच्छा नतीजा होगा। बस एक आपको मतलब थोड़ा सा बात ध्यान में रखना है कि भागना है तो भागना है, ठीक है, रुकना है ही नहीं वहाँ पर। आगे के जो 8-10 बंदे हैं उनके साथ आपको ग्रुप बना के भागना है, ठीक है। आप ये मत थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो आपने आपको अपने माता पिता को याद करना और आपको भागना है। जय हिंद।